नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज फिर मैं आप लोग के साथ में एक उपाय शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, उपाय है, इसे टोटका नहीं कहेंगे, ये सिर्फ एक उपाय है। इस उपाय को करके आप अपनी परेशानियों को, अपनी मुश्किलों को, अपनी दुविधाओं को, अपनी उलझनों को खत्म कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही कारगर उपाय है आपकी हर परेशानियों को दूर करने के लिए। अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, किसी को आप चाहते हैं, आप किसी को भी अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, जो भी इच्छा हो उसको अगर आप चाहते हैं पूरा करना, उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। आप सफलता चाहते हैं, आप प्यार चाहते हैं, आप पैसा चाहते हैं, आप सुख समृद्धि चाहते हैं, आप स्वास्थ्य चाहते हैं, कोई भी इच्छा हो, किसी भी चीज से रिलेटेड इच्छा हो, वो आपकी पूरी होगी इस उपाय को करके। तो क्या है वो उपाय, कैसे करना है, कब करना है और कितने समय तक करना है, ये पूरा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। बिना स्किप किए वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो पर मूव ऑन करते हैं, मगर उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से कई सारे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करती रहूं, तो आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और हाँ, आप मेरे चैनल पर कई सारे वीडियोस जो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ, उनके लिंक आपको आई बटन पर मैं शो कर रही हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी आप चेक कीजिएगा, वहां पर भी कई सारे वीडियोस के लिंक है जो कि आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो उपाय है ये आपको करना है किसी भी भोलेनाथ के मंदिर जाकर, ठीक है। हमारे जो महादेव हैं, देवादिदेव महादेव, आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। लगातार 21 दिनों तक करना है, ठीक है, लगातार 21 दिनों तक आपको इस उपाय को करना है, बीच में एक भी दिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। किसी भी दिन से आप शुरू करें, सोमवार मंगलवार, ठीक है, वीक का कोई भी दिन हो सकता है, आप कभी भी इसे शुरू कर सकते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है मंदिर, ठीक है, महादेव के मंदिर जाएं, अगर हो सके तो अपने साथ में एक लोटा जल लेकर जाएं, ठीक है, अपने घर से आप एक लोटा जल लेकर जाएं, या फिर मंदिरों में ही मिल जाता है, आजकल तो मंदिरों में ही बाल्टी या फिर कुछ भी रखा रहता है, वहां पर लोटा भी रहता है, आप लोटे से जल चढ़ाएं। अगर आप लोटा नहीं ले गए हैं तो आप अपने हाथों से भी जल अर्पित कर सकते हैं महादेव पर, ठीक है। महादेव सिर्फ श्रद्धा प्रेम के भूखे हैं, ना वो साधन देखते हैं, ना वो सुविधा देखते हैं, अगर आप उन्हें अपने हाथों से ही जल चढ़ाएंगे उसमें भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें जल चढ़ा दें, ठीक है, लोटे से चढ़ाएं, हाथ से चढ़ाएं, मंदिर में आप एक लोटा जल चढ़ाएं, ठीक है, कैसे भी करके आप लोटे से चढ़ाएं, जिससे भी, मैं बार बार कह रही हूँ, कैसे भी आप जल चढ़ा दें। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं आपको शिवलिंग दिखा रही हूँ, यहाँ पर ये जो जगह जहाँ पर मैंने मार्क किया है, इस जगह पर आपको अपने राइट हैंड की पाम रखना है, ठीक है, अपनी हथेली को टच करना है इस जगह पर, ठीक है। महादेव के मंदिर में जाकर जल अर्पित करना है, और जहाँ से ये जो जगह है, जहाँ से जल निकलता है, ठीक है, महादेव की शिवलिंग से, जहाँ से जलाधारी से जो जल निकलता है, वहां पर आपको अपनी हथेली लगाना है, ठीक है, ये हथेली आपको वहां पर टच करना है। आप सीधी टच करें, आप उल्टी टच करें, जैसे भी टच हो जाए हथेली टच करना है। टच करने के बाद में आपको मन ही मन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 3 बार कहना है। अगर आप ये नहीं बोलें तो आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, वो भी चलेगा, ठीक है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आज मैं आपके पास में अपनी इस मनोकामना को लेकर आई हूँ, अपनी इस इच्छा को लेकर आई हूँ, इस परेशानी को लेकर आई हूँ, आप इस इच्छा को जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए, आप इस मनोकामना को जल्द से जल्द पूरी कर दीजिए, मैं बहुत जल्दी इस इच्छा को पूरा करना चाहती हूँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास में जो कुछ है ये सब आप ही का है, पर बस अब इस इच्छा को भी आप जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए। ऐसा कहने के बाद में आपको अपनी हथेली वहां से हटाना है, दोनों हाथों को रब करना है, ठीक है, क्योंकि हाथ, एक हाथ जो हमने लगाया था वो गीला हो जाएगा, तो अब आपको दोनों हाथों को रब करना है, और ठीक है, इस तरह से अपने सिर पर लगा लेना है, बस इतना सा करना है और आप वापस आ जाए। ऐसा आप लगातार 21 दिनों तक करेंगे, 21 दिनों के अंदर ही आप चमत्कार देखेंगे, भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप खुद देखेंगे कि आपको आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी कर देंगे महादेव। आप इस उपाय को कीजिए, अब मैं तो ज्यादा क्या बोलूं, जब आप खुद इस उपाय को करेंगे, आपको जब रिजल्ट मिलेगा, आप खुद मेरे साथ में कमेंट शेयर करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी परेशानियों को दूर करने में आपकी मदद करेगा ये उपाय, कीजिएगा जरूर, फिर जब रिजल्ट मिले मुझे बताइएगा जरूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगी आपसे नई किसी जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।